नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं पहले, फिर इसके बाद एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो अब देखो, अब हमारे पास बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ, वो मैं बाद में बताऊंगी। जो स्टूडेंट्स, एक तरफ अंकित और सौम्य, दो स्टूडेंट्स को नहीं पता, बाकी सभी को पता है एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं टू नंबर्स का, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कौन सा नंबर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, उसको हम लिख सकते हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इट सेज, कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी रिटन एज 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, वी हैव टू शो दैट। तो इस क्वेश्चन को हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए ए एंड बी, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, क्यू आर, क्यू प्लस आर वाली, बी क्यू प्लस आर से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि क्वेश्चन में जो रिलेशन यूज हो रहा है वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है तो हमें दो नंबर चाहिए ए एंड बी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6। बी की वैल्यू 6 हमने कहां से ली, जो क्वेश्चन में हमें फॉर्म दी होगी वही हमने बी की वैल्यू ले ली। सबसे पहला स्टेप, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ एक फॉर्मूला है और हमने उसको अप्लाई कर दिया, थ्योरी लिखनी है हमने क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। प्रूव वाले क्वेश्चंस है ये, शो दैट, प्रूव दैट, तो थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें एक, तो उसको हमने ए माना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और बी की वैल्यू हमने 6 ले ली, वो कहां से, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब हम कहते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन राइट ए इक्वल्स टू 6q+r, बी क्यू प्लस आर होता है ना ए, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने क्या लिख दिया ए को 6q+r, क्योंकि b की वैल्यू जो है वो 6 है। अब r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन b, मतलब लेस देन 6, तो यानी r की वैल्यू होगी हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारी हमारी r की वैल्यूज होंगी, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 6 से, b की वैल्यू से छोटा होगा, 6 से छोटा, तो यानी r की वैल्यूज आई हमारी 0 से लेके 5। यस स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, बोलो। नो मैम, नो मैम, ठीक है। वरजोत आपको भी क्लियर हो रहा है, उस दिन कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ था ना, आदिल तो आई थिंक क्लास में ही नहीं है अभी, वरजोत एंड हिमांशु, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम, हाँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने R के प्लेस पे ये सारी वैल्यूज वन बाय वन रख के चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, ऑड इंटीजर, तो यानी या तो नंबर हमारा ऑड होता है या इवन होता है, तो हम R की वैल्यू यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करेंगे वन बाय वन ऑल वैल्यूज, और फिर चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर, R की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, ऐसे हम पुट करते जाएंगे कि जो हमारा नंबर बनेगा वो इवन नंबर बनेगा या ऑड नंबर। तो ये हमने 0 से लेके 5 तक सभी वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो हमने कहा कि पुट r इक्वल्स टू 0, इसी रिलेशन में पुट करना है हमने r इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू हो गई 6q+0, या हम कह सकते हैं 6q। अब चेक करो कि 6q जो वैल्यू है वो इवन बनेगी कि ऑड बनेगी, क्योंकि q क्या है, q इज एनी इंटीजर, एनी नंबर है, तो हम q के प्लेस में कोई भी नंबर रखें तो 6q हमारा इवन बनेगा कि ऑड बनेगा, ये आपने इवन इवन बनेगा, I mean, है ना, ऑलवेज इवन नंबर, इवन, ठीक है, यस। अब हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं,
सेम रिलेशन में अब हम आर की वैल्यू वन पुट करेंगे. नाउ पुट आर इक्वल्स टू वन, तो ए आ गया हमारा सिक्स क्यूब प्लस वन. अब चेक करो ये कौन सा नंबर बनेगा, ऑड ऑड नंबर, क्योंकि इवन नंबर है सिक्स क्यूब. सिक्स क्यूब पे हम वन प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर. ऑड नंबर. पुट आर इक्वल्स टू टू, इवन इवन नंबर. सेम हमने सभी वैल्यूज के लिए चेक करना है. पुट आर इक्वल्स टू थ्री, ऑड 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 ऑड. यस. पुट आर इक्वल्स टू फोर, इवन इवन. पुट आर इक्वल्स टू फाइव, ऑड ऑड. ओके यस मैम. यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं मैम. फाइव से नीचे नीचे पुट करना है मैम. हाँ, फाइव को भी पुट करना है. सिक्स से नीचे नीचे, बी की वैल्यू से नीचे नीचे, फाइव को तो पुट कर रहे ना. यस मैम. हाँ जी. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर. तो अब हमने इनमें से ऑड नंबर, ए पॉजिटिव नंबर है ना, तो उसमें से ऑड नंबर्स की फॉर्म्स चूज कर दी. ऑड नंबर्स की फॉर्म है हमारी सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव. बस ये था क्वेश्चन हमारा, कि हमने पहले तो सारे नंबर्स ले लिए जो भी पॉसिबल नंबर्स हैं, कि अगर हम बी की वैल्यू सिक्स लेते हैं तो हमारे पॉसिबल नंबर्स हैं सिक्स क्यू प्लस आर, और आर के प्लेस पे जीरो से फाइव तक कोई भी नंबर हो सकता है. ये हमारे सारे नंबर्स. अब इनमें से हमने अब ऑड नंबर्स चूज करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑड इंटीजर्स के बारे में पूछा गया है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ठीक है बात. तो हमने सारी वैल्यूज चेक करके, सारी वैल्यूज पुट करके वन बाय वन चेक किया कि कौन सी फॉर्म्स हमारी ऑड नंबर की बनती है. तो ऑड नंबर की हमारी फॉर्म्स बन रही है सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव. तो बस उसके बाद हमने लास्ट में लिख देना है, hence any positive odd integer can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any integer. okay, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाए. मैम मतलब हमको क्वेश्चन के अंदर बी के अंदर जितनी मर्जी दे सकते हैं ना एग्जाम. हाँ जी बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. बट मैक्सिमम आपकी बुक में मैक्सिमम नाइन तक की वैल्यू है. ठीक है. वैसे तो नाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है, बट हम उसमें नाइन लेके नहीं करते. वो मैं अभी आपको समझाऊंगी लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का. अदरवाइज थ्री फोर फाइव सिक्स यही वैल्यूज होती है, क्योंकि okay, नहीं तो बहुत सारे स्टेप्स बन जाएंगे ना बेटा, फिर हम कहाँ तक कम्प्लीट शो करेंगे. ठीक है. अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखो. अभी थर्ड छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर फोर पे फोकस करो. फोर और फाइव हम पहले करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है, एन आर सॉरी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. क्वेश्चन में बताई दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसको चेक करना है हमने, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और उसकी फॉर्म क्या बनेगी, या तो 3m या 3m प्लस 1. ये क्वेश्चन में मेंशन है. पहले हमें कहा था ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया था. अब क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमने क्या करना है वो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा. तो फिर से हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वैसे ही कि लेट दो नंबर चाहिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए. हमने कहा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू हम क्या लेंगे अब, थ्री. क्योंकि क्वेश्चन में थ्री एम और थ्री एम प्लस वन पूछा गया है, तो बी की वैल्यू हम चूज कर लेंगे थ्री. तो फिर हमने कहा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर, और r की वैल्यूज क्या होंगी अब, जीरो वन जीरो वन और टू. जीरो वन और टू. टू किसी को कोई प्रॉब्लम इस स्टेप को अप्लाई करने में, नो मैम.
एनी अदर चाइल्ड एनी प्रॉब्लम? नो ओके ठीक है. तो ये हमारी वैल्यूज हो गई आर की, 0, 1 और 2. तो स्टूडेंट्स वही बात, फिर अब हम आर के प्लेस पे 0, 1 और 2 1 by 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे. ठीक है, अब मैंने पहले कहा पुट आर इक्वल्स टू 0, तो ए मेरा आ गया 3 क्यू. बट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऐसे ही नहीं चूज करना, इसका स्क्वायर करके फॉर्म बनानी है. लिखा हुआ है ना स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर इसका मतलब ए 3 क्यू है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. समझ गए बात? तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यस. A square is equals to 3q square. 3q in the bracket and square. अब ये हमारे पास आ गया, सॉल्व करा हमने 9q square. स्क्वेयरिंग कर दी तो 9q square आ गया ना. अब देखो हमें चाहिए 3m की फॉर्म, हमें 9q नहीं चाहिए. क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3m की फॉर्म में लिखना है स्क्वेयर करने के बाद उसको. तो हमने इसको 3m की फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लो और बाकी जो बचा हुआ है उसको अंदर लिख दो. ठीक है, अब जो q है क्योंकि वो कोई भी इंटीजर हो सकता है तो हम इसको 3m भी लिख सकते हैं, वेयर वैल्यू ऑफ m इज 3q स्क्वायर, दैट इज एनी इंटीजर. क्योंकि q भी एक नंबर है, 3q स्क्वायर भी एक नंबर आएगा, तो यानी हमने 3q स्क्वायर को m से रिप्लेस करके इस क्वेश्चन में जो फॉर्म है उसको चेंज कर दिया 3m में. देखो अब ये चीज समझ आई? यस मैम. अब सेम हम अब चेंज करेंगे वैल्यूज आर की और सेम स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे. अब आर की वैल्यू 1 लेके फिर स्क्वेयरिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. पुट आर इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू हो गई 3q+1, बट हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो फिर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया. ठीक है, अब जब भी हमारे पास प्लस माइनस साइन होता है तो हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हम होल स्क्वायर लिखते हैं, और होल स्क्वायर लिखते हैं तो फिर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ये आ गया हमारे पास. देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ किसी भी स्टूडेंट को. नो मैम. यस अदर्स प्लीज, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज आस्क. हां जी अभी तो मैम पुट आर इज इक्वल टू 0 करा तो मैम उसका आंसर 3m ही आएगा. हां जी बेटा, आर इक्वल्स टू 0 किया हमने यहाँ पे, है ना, तो यानी 3q आ गई a की वैल्यू. यस मैम. तो फिर हमने स्क्वेयरिंग करा क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपने फाइंड आउट करना है. yes. तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी. स्क्वेयरिंग कर दी तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई. स्क्वायर ए स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, उसकी वैल्यू आ गई 9q². ठीक है बात? क्लियर. बट हमें 9q² नहीं आंसर चाहिए, हमें 3m या 3m+1 चाहिए. क्वेश्चन में क्या है ना, शो करो कि जो फॉर्म है उसको हम 3m या 3m+1 लिख सकते हैं. तो हमने 3 बाहर रख लिया, उसमें से कॉमन ले लिया और अंदर बच के हमारे पास 3q², तो 3q² को हमने m से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, ओके. अब जब हमने r इक्वल्स टू 1 रखा तो a की वैल्यू आ गई 3q+1. फिर से हमने स्क्वेयरिंग करी
स्क्वेयरिंग करी तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू हमारे पास आ गई 9q² + 6q + 1। अब फिर से हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए, हमें या तो 3m चाहिए या 3m + 1 चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे जब ये वैल्यू आ गई तो हमें इससे देख के अपने आप आइडिया लग रहा है कि हमारी यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी वो 3m + 1 की फॉर्म बनेगी, क्योंकि हमारे पास प्लस वन भी है साथ में। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको कैसे लिखा फिर हमने इस स्टेप को, कि हम कहते हैं जो पहले दो हैं उसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच गया 3q² + 2q + 1। ओके, सो 3m + 1। अब सेम चीज, वेयर m इक्वल्स टू 3q² + 2। m कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अब सेम स्टेप r इक्वल्स टू 2 लेके करो। करो स्टूडेंट्स, ट्राई करो अपने आप, जरा r इक्वल्स टू 2 लेके करो सॉल्व। मैम ये जो से क्वेश्चन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो सकता है ना? कैसे हो सकता है बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? मैम 9 और 6 नहीं, मैम जो मैम आपने लिखा नहीं a² = 9² + 6x + 6q + 1 वो से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करे तो मेरा आंसर आ रहा है 3q (3q+1) वो एक कॉमन आ रहा है मैम 3q+1। वो तो 3q + 1² बन जाएगा अगर हम इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैम मैंने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया है, a² = 3q + 1² वो थोड़े ना चाहिए हमें। मैम उससे मैम रिप्लेस कर दिया मैम 3+1 की जगह। नहीं तो वो तो बेटा a की वैल्यू आ गई ना अगर आपने स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया तो। मैम रिप्लेस करके तो आंसर तो वो ही आ रहा है मैम 3m + 1 रिप्लेस करने के बाद। नहीं नहीं बेटा, आप क्या कह रहे हो जो मुझे समझ आ रहा है, आप ये बोल रहे हो, एक मिनट, आप ये बोल रहे हो कि आपने क्या करा, आपने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा, ओके, अब 3q कॉमन 1 कॉमन आपने ये करा है ना, तो आपका आ गया a² = 3q + 1² ठीक है, यही करा ना बलजो? यस मैम। आपने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो ये तो a की वैल्यू आई ना 3q + 1, स्क्वायर की कहां से आई, हमने तो a² को 3m + 1 की फॉर्म में लिखा। मैम रिप्लेस कर दिया उसे 3m की जगह। वो ठीक है बात, बट वो तो a की वैल्यू हुई ना बेटा, a² की थोड़े ना हुई। तो a² की निकाल दी मैम। हाँ, a² की वैल्यू को हमने 3m, a² मतलब इस वैल्यू को हमने 3m + 1 की फॉर्म में लिखा। मैम तो मेरा आंसर भी तो 3m + 1 नहीं आ रहा उसे। फिर वो तो बेटा यही वैल्यू आ गई वापस जहां से हमने शुरू किया था। यस मैम। फिर हमें ये सब करके वापस वहीं पे पहुंचने की जरूरत क्या पड़ी, हमने तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखना है ना। ओके मैम। ओके यस मैम। तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हमने 3m + 1 की फॉर्म में लिखना है, समझ रहे हो मेरी बात, इसको इस वैल्यू को 3m + 1 की। मैम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्यों निकल सकते,
just a minute students, just all the three branches are going to be Yes, students, let's continue. Barjot, yes, now please tell. कि आपको ये step clear हुआ या नहीं हुआ? मैम आपने मैम clear तो हो गया मैम, जो आपने 3q² + 2q मैम वो q common क्यों नहीं लिया आपने मैम? वो इसलिए common लिया क्योंकि a square मैम common ही नहीं लिया मैम आपने उसमें। हाँ common? 3q आना था ना बाहर मैम। Okay, q हमने q नहीं common लिया, आपका मतलब ये है? Yes मैम। क्यों बेटा? इसलिए हमने कॉमन नहीं लिया क्योंकि हमें 3m चाहिए, हमें 3qm नहीं चाहिए। अगर सपोज आप ये कहते हो कि यहाँ पे हम 3q कॉमन ले लें और अंदर फिर हमारा ये बच जाएगा, यस मैम, है ना? फिर देखो फिर हम क्या करेंगे, फिर भी जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हम m से ही रिप्लेस करेंगे और m की वैल्यू को हम लिख देंगे q इंटू 3q + 2 क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्यू की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप ऐसे लिखते हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके मैम, फिर आप ऐसे क्यों करते हो? मैम ऐसे क्यों नहीं करते? हम ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को 3m की फॉर्म लिखनी है, मेरे को सिर्फ 3 चाहिए बाहर। मैम तो मैम कॉमन का मीनिंग तो मैम सब में से कॉमन निकाल, कॉमन का मीनिंग यही रहता है हमारा कि जो हम मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन। यस मैम, है ना? बट क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि, तो इस क्वेश्चन में हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 कॉमन लिख देते हैं। बट डजंट मैटर, अगर आप उसको ऐसे लिख के फिर m से रिप्लेस करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर जब आप m की वैल्यू लिख रहे हो तो वो q जो है वो m की वैल्यू में जाएगा, इस 3 के साथ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि वो एक हैबिट बन गई है कि हमें 3m + 1 की फॉर्म बनानी है, तो इसलिए हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके मैम। ओके, यस मैम। अब इसके बाद नेक्स्ट करो मैम, नेक्स्ट वाले का आंसर a² = 3m + 4 आ गया मैम। 3m + 4 आ गया ना? अब देखो एक मिनट मैम, 3m + 1 आएगा। हाँ देखो एक मिनट, स्क्वेयरिंग करी हमने, देखो स्क्वेयरिंग करी, यस मैम, 9q² + 12q + 4 ये आ गया, ठीक है। अब वर्जोत आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें और ये 3m + 4 की फॉर्म बन गई, ठीक है? यस मैम। बट क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी फॉर्म दी हुई है? इधर 3m और 3m + 1, 3m + 4 तो कहा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस 3m + 2 भी तो दी हुई है मैम। कहाँ दी हुई है मैम? को उसमें मैम हिंट्स में दी हुई है मैम।
हिंट्स में बेटा, हिंट्स में क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यूज दी हुई है 3q+2। मैम दी तो ये वैल्यू पढ़ो पढ़ो ध्यान से पढ़ो, किसकी वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर की नहीं दी हुई, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यूज दी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू तो 3q+2 आ सकती है, बट जब स्क्वायर की फॉर्म बनानी है तब वैल्यू 3m आनी चाहिए या 3m+1 आनी चाहिए। ओके समझ गए, हिंट तो ये आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, और हिंट में किसकी वैल्यूज लिखी हुई है उन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर की। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। मैम आप कंफ्यूज, देखो ना बेटा फर्क है ना, ए पॉजिटिव इंटीजर है, हमने भी उन्होंने किस उन्होंने क्या कहा है, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन एक्स कैन बी रिटन एज 3q, 3q+1 और 3q+2। एक्स की एक्स मतलब हमने ए लिख दिया था उसको, ए की वैल्यूज, फिर एंड स्क्वायर ऑफ दिस, उसके बाद लिखा हुआ आगे पूरा पढ़ो, नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस एंड इट कैन बी रिटन इन 3m और 3m+1। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, दो चीजें है ना, एक ए है एक ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर की फॉर्म्स है वो 3m या 3m+1 है, बट जो ए की फॉर्म्स है वो देखो, वो हमारी भी तो तीन फॉर्म्स आई है ना, 3q, 3q+1, 3q+2। ओके इज इट ओके और नॉट वर्जोत? यस मैम वर्जोत। यस मैम। अब इसको हमने 3m+4 की फॉर्म में नहीं लिखना, हमने इसको या तो 3m की फॉर्म में लिखना है या 3m+1 की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं 3+1, 4 को हम ब्रेक करके 3+1 लिख सकते हैं। अब इस सारे में से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा और फिर हमारी फॉर्म बन जाएगी 3m+1। ओके अब 3 कॉमन लिया हमने एंड ये प्लस 1 हमारा साइड में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m+1 वेयर m इक्वल्स टू 3q² + 4q+1। ओके अब यहां पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सारी r की वैल्यूज लेके हमने शो कर दिया, तो अब हम लिख देंगे हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 3m और 3m+1 वेयर m इज एनी इंटीजर। ये सेम क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट बट शो दैट की जगह पे हैंस आ जाएगा। देखो देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्यूब वाला क्वेश्चन है, अभी जैसे यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया था ना, अब क्वेश्चन 5 रीड करो, क्वेश्चन 5 में देखो क्या पूछा गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ पॉजिटिव सेट करना। हां जी इसमें क्यूबिक को सेट करना। हां जी बिल्कुल, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म्स बनानी है हमने, तो अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की जगह क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे और क्यूब वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे और फिर उसके बाद उसकी फॉर्म्स बनाएंगे या तो 9m या 9m+1 या 9m+8। ओके यस मैम। अब देखो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि आप तीन चार क्वेश्चंस करोगे ना इस तरह के तभी क्लियर होएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। यहां पे तीन फॉर्म्स है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखो क्या प्रॉब्लम आती है, कि अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं, आर की वैल्यू 9 मतलब बी की वैल्यू 9 लेके
तो जो रिमाइंडर्स है वो हमारे जीरो से लेके एट तक आ जाते हैं और हमारे पास इतने सारे केसेस डिस्कस करने के लिए हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? Yes, कि अगर हम b की वैल्यू 9 लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतने सारे केसेस डिस्कस करने के लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम क्या करेंगे स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 3 लेके सॉल्व करते हैं। और जब हम क्यूब करते हैं 3 का तो वो 27 बन जाता है, क्यूब करते हैं तो 27 बन जाता है ना, और 27 में से हम इजीली 9 कॉमन ले सकते हैं। समझ आई बात? यस मैम। तो स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी एज 9 हम बी की वैल्यू 3 लेके सॉल्व करते हैं। अगर आपको सपोज एग्जाम में नहीं याद रहता, आपने बी की वैल्यू 9 लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नहीं हमारे माइंड में आया कि हमें इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू 3 लेनी है और हमने बी की वैल्यू 9 ली और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद सिमिलरली लिख देंगे, क्योंकि अगर हम 9 केसेस डिस्कस करने लगे तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हमें 1 आवर इसको फिनिश करने में लग जाएगा। तो ध्यान रखना है स्पेशली क्यूब वाले क्वेश्चन में हम बी की वैल्यू 3 लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे कैसे, लेट सी। हमने कहा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3, तो ए कैन बी रिटन एज 3q + r, वेयर r इज 0, 1 और 2, ठीक है ना। अब 3 ही वैल्यूज हमें डिस्कस करनी है, 3 ही केस। समझ गए ये प्रॉब्लम क्यों हमने यहाँ पे ऐसे चूज किया? यस मैम। यस मैम। अदर्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब फिर वही काम शुरू करते हैं हम, पुट r इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 3q आ गई, क्यूबिंग बोथ साइड्स करा, ओके। अब 9 कॉमन ले लो, क्योंकि हमने 9m की फॉर्म बनानी है, या 9m+1 या 9m+8, तो जो भी फॉर्म आपको कही जाती है क्वेश्चन में आपने अल्टीमेटली उस फॉर्म में चेंज करना है, बस ये है हमारा कॉन्सेप्ट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन में। R इक्वल्स टू 1 लेके सॉल्व करो, आप देखो मैम आ गया, आ गया। अब मैंने R को 1 लिया तो A की वैल्यू बन गई 3q+1, क्यूबिंग बोथ साइड्स, आइडेंटिटी लगाओ, a³ + b³ + 3ab × a + b। मैम इसमें आइडेंटिटी? हाँ जी, आइडेंटिटी लगाएंगे हम ये वाली a + b³। ठीक है, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब इसको सॉल्व करो, आ गया हमारे पास 27q³ + 1, 3 3s are 9, 9 3s are 27q² + 9, ये आ गया। बोलो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। यस प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्यू की जगह एम भी तो लिख सकते,
वो बाद में लिखेंगे ना बेटा, जब हम 9 कॉमन ले लेंगे। अभी तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, उसमें हमारा क्या होता है फॉर्मूला में, क्यों होता है। ओके, अब इन तीनों में से हम 9 क्यू कॉमन ले लेते हैं। आप चाहो तो 9 क्यू कॉमन ले लिया हमने, तो ये 3Q² + 3Q + 1 ऐसे बच गया। ठीक है वर्जोत, मैंने अब 9Q कॉमन ले लिया, क्योंकि आप कह रहे थे मैक्सिमम कॉमन ले लो, तो मैंने 9Q कॉमन ले लिया। अब इसको हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 9m + 1 वेयर m इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 3Q² + 3Q + 1। देखो देखो समझ आया क्यूबिंग कैसे करनी है हमने। यस मैम। आप जरा आर इक्वल्स टू 2 लेके खुद सॉल्व करके देखो। टेक आर इक्वल्स टू 2 एंड सॉल्व योरसेल्फ, और फिर देखो आपकी क्या फॉर्म बनती है। आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको यूज करो और देखो आपकी क्या फॉर्म बनती है। ये स्टूडेंट्स क्या आ रही है वैल्यू, हम 9Q + 2 आ रही है। क्यूब नहीं किया, हाँ 9Q, 9Q कैसे आ गई बेटा, क्यूबिंग करो मैम। m + 9m आ गया। देखो r इक्वल्स टू 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब भी तो करना है वर्जोत। a की वैल्यू आ गई 8 हो गए, 8 हो गया। हाँ वही, ठीक है क्यूबिंग बोथ साइड्स, सो 3Q + 2 का होल क्यूब। अब हमने क्यूबिंग करी, इसको आइडेंटिटी को ओपन कर लो, मैं डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रही हूं। ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी ओपन करके, ठीक है मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यस मैम। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 9Q कॉमन ले लो और +8 साइड में लिख दिया, क्योंकि उसमें से कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हमारी ये फॉर्म बन जाएगी 9m + 8 वेयर m = q × 3Q² + 6Q + 4। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया कि हम पॉजिटिव क्यूब ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं, या तो 9m या 9m+1 या 9m+8। बताओ, अब बताओ कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया अभी। मैम मैं HCF वाले भी समझा दूं। ओके, वो मैं लास्ट के 5 मिनट्स में समझाऊंगी अंकित, ठीक है। यस बताओ स्टूडेंट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। मैम आ गया। मैम एक क्वेश्चन दे दो मैम। एक क्वेश्चन दे दो। यस मैम। स्टेटमेंट
फाइंड आउट करती हूँ फिर देती हूँ। लिखो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये तीन चार क्वेश्चंस ही हैं इसी तरह के। गूगल से दे दो मैम। हाँ गूगल पे ही देख रही हूँ बेटा, वो जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के हैं। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमने कर लिया जो है वो अभी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवाऊंगी, वो क्वेश्चंस जो दूसरे क्वेश्चंस है। चलो ऐसे करो, ये वाला करो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखो, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2q और 2m और 2m प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन है आपका, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 2m और 2m प्लस 1। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक है बात। हाँ जी कैसे करेंगे स्टार्ट मैम? हमारा बी आएगा मैम, टू ले लेंगे बी को टू स्टेटमेंट से मैम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके बेटा स्टेटमेंट ये है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 2m और सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हो? इन सॉल्यूशन में स्टेटमेंट भी तो लिखेंगे, वो तो लास्ट में लिखेंगे, हेंस लास्ट में हेंस लिखेंगे। हां फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ऐसे लिखेंगे। हाँ जी अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? a इक्वल्स टू 2q प्लस r ले लेंगे हम, और r की वैल्यू आ जाएगी 0 और 1। ठीक है बात, बोलो। यस मैम। ठीक है अब r को 0 लिया तो a बन गया 2q। ठीक है अब इसका स्क्वेयरिंग करा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी 2m, है ना? हो गया। वेरी गुड। फिर जब r को 1 लिया तो a की वैल्यू हो गई 2q प्लस 1। स्क्वेयरिंग करी, ध्यान रखना है जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो हम a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे। फिर हमने फॉर्म बना दी 2m प्लस 1। Is it clear now? I'm done. Done. अब yes. इसके ऊपर बेस थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले हम बुक में से चैप्टर फिनिश करके फिर करेंगे।
ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या है देखो, रीड करो क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये ही समझना मुश्किल हो जाता है कि ये चैप्टर वन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करते थे तो आपको याद हो, आपको स्कूल में टीचर्स ऐसे बताते थे कि अगर आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपने एचसीएफ निकालना है। मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट ऐसे से वर्ड्स आते हैं तो आपने एलसीएम निकाला। याद आ रहा है? यस यस मैम। ठीक है मैम, आप भी क्वेश्चन नंबर सिक्स करवा रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर फोर बेटा, सिक्स तो है ही नहीं, फोर हमने मिस, फोर नहीं सॉरी थ्री, थ्री हमने मिस किया था ना, थ्री कर रहे हैं हम। ओके मैम, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन, तो हमने बस ये आइडेंटिफाई कर लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एचसीएफ निकालेंगे तो हमने क्या लिखना है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। और ये HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो जो आपको इजी लगता है। चाहे आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चाहे डिवीजन मेथड करो, जो भी आपको इजी लगता है। तो मैं ये डिवीजन मेथड कर रही हूं, देखो आपको जो इजी लगता है आप उससे कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ पे 8, 8 इज आर आंसर। अंकित एंड सौम्या, आपको ये डिवीजन मेथड आता है एचसीएफ निकालने का? यस मैम। ओके, तो फिर मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लास्ट के 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंप्लीट हो गया है। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। सेकंड टॉपिक वो मेरे समझाने वाला भी इवन कुछ नहीं है, दैट इज वेरी इजी टॉपिक, बट मेनी टाइम्स एग्जाम में आपसे ये इस स्टेटमेंट को पूछा जाता है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने इस स्टेटमेंट को याद करना है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे को 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 10 की, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 5 प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं मैम? 2 into 5। यस, 2 into 5 लिखेंगे ना, 5 into 2। हाँ बिल्कुल सही, एक स्टूडेंट ने कर दिया ऐसे। yes, कर दिया। कोई और तरीका है करने का? एक ने कहा 2 into 5, एक ने कहा 5 into 2। क्या कोई भी स्टूडेंट इसके अलावा कोई और फैक्टर्स निकाल सकता है? नहीं निकाल सकते हम, यही हमारे फैक्टर्स आएंगे। बस फर्क क्या है, हैं तो फैक्टर्स 2 और 5 ही, बट एक ने 2 into 5 बोल दिया, एक ने 5 into 2 बोल दिया, विच इज सेम ओनली। क्या करा, ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया उनका, एक ने 2 को पहले लिख दिया, एक ने 5 को पहले लिख दिया,
तो बस यही स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहते हैं हम कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लो, कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो कि डिवाइड हो जाता है दूसरे नंबर से, सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। Apart from the order in which prime factors occur, ये है हमारी स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लो। मैम ऑर्डर की बात क्या लिखा मैम? Apart from the order in which प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब जो ऑर्डर है वो उनका चेंज हो सकता है बट जो नंबर है वो वही आते हैं हमेशा, तो यूनिक वे बोलते हैं हम कि वी कैन राइट इन अ यूनिक वे। कोई भी नंबर ले लो आप, 20 ले लो, 2 × 2 × 5, 2 × 5 × 2, 5 × 2 × 2, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा नंबर्स का, किसी ने 5 पहले लिख दिया, किसी ने 5 बीच में लिख दिया, किसी ने 5 एंड में लिख दिया, बट फैक्टर्स हमारे क्या होंगे 20 के, 2, 2, 5, तीन ही नंबर आएंगे हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर, समझ आ रही है मेरी बात? यस यस मैम। बस ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आगे क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन या एग्जांपल 6 देख लो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आता है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, पता है आपको, सबको आता है ना, ये प्राइम फैक्टर्स लिखने ऐसे आते हैं ना, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, बोलो आते हैं? यस यस मैम। एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना भी आता है दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? यस मैम। ठीक है, जैसे मेरे पास दो नंबर्स हैं, सपोज 12 एंड 16, और मुझे कहा जाता है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करो, एलसीएम फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने को बोला गया है, तो मैं दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखती हूँ, 16 के भी और 12 के भी। 12 can be written as 2 × 2 × 3, 16 can be written as 2 × 2 × 3। कॉमन निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही, तो हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं तो वो हमें दे देता है HCF, HCF क्या आ गया 2 × 2 = 4। और जब हमने LCM लिखना है तो पहले हम कॉमन लिखते हैं फिर उसके बाद बचे हुए भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो LCM हो गया 2 × 2, फिर 3 × 2 × 2, LCM आ गया मेरा 48। ये चीज सभी को आती होगी आई थिंक? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले चीज में? नो मैम। नो। अब एक तो हमने ये स्टेटमेंट कर ली, उसके बाद 1 mark का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड द नंबर्स, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, HCF into LCM is equals to product of numbers, ठीक है। जैसे अभी हमने निकाला, हमारा HCF आया था 4, LCM आया था 48, नंबर्स थे 12 × 16, कि अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें HCF LCM को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आएगा, सेम आएगा ना, देखो। Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, आपको 4 में से 3 नंबर्स दिए होते हैं
और आपको एक मिसिंग चीज दी होती है जो फाइंड आउट करती होती है. जैसे मैंने क्या कहा कि HCF of 12 and 16 is 4, find LCM. तो आपने ये रिलेशन यूज करना है और इसको यूज करके आपने फाइंड आउट कर लेना है LCM. एक दूसरी चीज पॉइंट ध्यान देने वाला कि HCF always divides LCM. ठीक है बात. जो HCF है वो भी हमेशा LCM को डिवाइड करता है. ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए. ओके अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2. किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक तो बता दो. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट पार्ट राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. प्राइम नंबर्स लेते हैं हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जब भी. और देखो अगर आप एक ऑर्डर में चलते हो तो जैसे मेरा तरीका तो वही है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर लिखती हूँ मैं, फिर उससे बड़ा लिखते जाओ, फिर उससे बड़ा. बट अगर आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो तो गलत नहीं होते. 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 5 × 7. अब हो सकता है कोई स्टूडेंट 5 को पहले लिख दे, 2 को बाद में लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आपके यही चार नंबर्स आए, आप किसी भी तरीके से कर. हो सकता है कोई स्टूडेंट 7 से शुरू कर ले, ठीक है, किसी को लगे कि 7 से डिवाइड इजीली हो रहा है तो वो 7 से शुरू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अल्टीमेटली ये चार फैक्टर्स ही आएंगे. ठीक है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. ओके, अपनी लैंग्वेज में समझ लो उसको, फिर उसके बाद आप इंग्लिश तो लिख सकते हो. इज इट क्लियर? यस मैम. यस यस मैम. ठीक है चलो आगे. ये सारे क्वेश्चन हमारे प्राइम फैक्टर्स वाले हैं. कैन वी लीव? यस मैम. यस मैम. यस मैम. चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं. आप सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है HCF LCM फाइंड आउट करो और उसके बाद वेरीफाई करना है हमने कि HCF LCM का प्रोडक्ट जो है और नंबर्स का प्रोडक्ट वो सेम है. फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं 2691. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मैं निकाल रही हूं दोनों नंबर्स के. 91 का अब मैंने लिखे प्राइम फैक्टर्स, 13 इज कॉमन तो हमारा HCF आ गया 13 और LCM आ जाएगा 13 × 2 × 7. देखो किसी को कोई प्रॉब्लम HCF LCM निकालने में? नो मैम. डन. अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है. ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है. तो हम फाइंड आउट करेंगे HCF इंटू LCM 13 × 182. फिर हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. देखो आ गया सेम, सो हेंस वेरीफाइड. बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो मैम. नहीं? No, तो फिर मेरे को जल्दी से थर्ड पार्ट करके दिखा दो.
थर्ड पार्ट का HCF LCM फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो थर्ड पार्ट. Yes, students, done? Yes, ma'am. क्या है आपका HCF? Ma'am, 6. 6. LCM? Ma'am, 3024. 3024, very good. फिर उसके बाद आपने वेरीफाई कर देना है. HCF, LCM का प्रोडक्ट लोगे और नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे तो वो आपका सेम हो जाएगा. ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. चलो अब हम क्वेश्चन थ्री करते हैं. क्वेश्चन थ्री इज फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमारे पास तीन नंबर हैं स्टूडेंट्स, तो हमने तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ठीक है? ऑल्दो ये वाला HCF LCM फाइंड आउट करने का ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं. एग्जाम में कैसे आता है कि आपको दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है, फाइंड द LCM बाय यूजिंग द रिलेशन, या दो नंबर्स का LCM दिया हुआ है, फाइंड द HCF बाय यूजिंग द रिलेशन. समझ रहे हो? तो एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने इनको कहा कि अपने आप कर लो और आप लोगों को पहले से आते भी. बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम. मैम सेकंड वाले का है 3x5 और थर्ड वाले का है 3x7. क्या चीज बेटा? ओके मैम, वो प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो HCF क्या होएगा? HCF बताओ, तीनों में से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे. मैम थ्री. तीनों में से कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है. तीन नंबर का जब हमने HCF फाइंड आउट करना है तो तीनों का कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो HCF 3 आ जाएगा. और LCM क्या होगा? वही बात, कॉमन फैक्टर को पहले लिख लिया, उसके बाद बचे हुए फैक्टर्स लिख लिए. Is it clear?
यस मैम। अब अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, लुक, सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 17, 20 एंड 23 एंड 29, ठीक है। सेकंड पार्ट लुक 17, 23, 29, देखो ये प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 17 के फैक्टर्स बने 17 इंटू 1, 23 के बने 23 इंटू 1, ठीक है, घबराना नहीं है ऐसे केसेस में। तो अब HCF क्या आएगा? 1, ओके, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ? 1, HCF इज 1, और LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेल, अब मैं एक एक स्टूडेंट से पूछने वाली हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम, अंकित एनी प्रॉब्लम, अंकित नो रिस्पॉन्स, आशीष एनी प्रॉब्लम, नो मैम, भवित, मैम आंसर विल कम 11,339। ओके चलो, एनी प्रॉब्लम अंकित? नो मैम। भवित? नो मैम। हिमांशु? नो मैम। जानवी? नो मैम। काया? नो मैम। रोहन? नो मैम। सौम्या? नो मैम। श्रिया? नो मैम। सिया? नो मैम। वरजोत? वरजोत, वरजोत आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। यश? यश एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके गुड, ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन जो कि 1 मार्क में एग्जाम्स में आता है और मैक्सिमम टाइम्स आता है, ठीक है। क्या कहा गया है कि आपको HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, आपने LCM फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कहेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये रिलेशन यूज करेंगे। 9 इंटू LCM 306 इंटू 657, ठीक है ना, 9 डिवाइड में चला जाएगा, कैंसल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 1 मार्क का क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आता है। इज इट ओके? यस मैम। ओके आ गया आंसर। चलो स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ, आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर क्लियर है ना क्या होते हैं? देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 17 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 17 से, सो इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो कैसे डिफाइन करते हैं? एनी नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। Any number which has 2 factors, 1 and number itself are known as prime numbers. और जिन numbers के 2 से ज्यादा factors होते हैं, जैसे 4 है, 4 के कौन कौन से factor हैं? 1, 2 and 4, 3 factors हैं 2 से ज्यादा, तो उनको हम कहते हैं composite number. Sorry. ठीक है बात? Yes ma'am. तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज हम क्वेश्चन 5 तक ही करेंगे, इसके बाद मैं आपको
दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी एचसीएफ फाइंड आउट करने का वे, जिनको आता है उन स्टूडेंट्स को मैं दो क्वेश्चंस दूंगी और वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 6 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। स्टूडेंट्स अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप मार्क कर सकते हो क्योंकि अगर आप मेरे से बाद में पूछोगे ना मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं आपको चैप्टर कराते कराते बता देती हूँ साथ साथ ही कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन 5 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दो नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर ले लो जिसके एंड पे जीरो है, चाहे वो 10 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, चाहे 100 है, कोई भी नंबर है ना जिनके एंड पे जीरो है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 5000 है, कोई भी नंबर जिसके एंड पे जीरो है, चाहे वो 550 क्यों ना है ना, जो भी नंबर जिनके एंड पे जीरो है वो सारे नंबर हमारे 10 से डिवाइड हो जाते हैं, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 10। यस मैम। अब अगर वो 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। यस मैम। ठीक है, इट इज मस्ट कि कोई भी नंबर जिसके एंड पे जीरो होगी वो 2 से भी डिवाइड होएगा और 5 से भी डिवाइड होएगा, यानी 2 और 5 उसके फैक्टर्स होंगे। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे देखनी है, हमने 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। 6 के फैक्टर्स हमने लिखे तो 6 के फैक्टर्स हैं 2 × 3, ठीक है ना। अब 2 × 3 में 2 तो आ गया बट 5 नहीं आया, और वो 10 से तभी डिवाइड होगा कोई भी नंबर जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों। तो बस यही चीज हमने लिखनी है कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 या विच एंड्स विद 0, ऐसे लिखो एंड विद 0 का है ना क्वेश्चन में, विच एंड विद 0 मस्ट हैव 2 and 5 बोथ हैज फैक्टर्स। ठीक है, कि कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होगा उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। इन 6 raised to power 10 n वी हैव ओनली 2 not 5, सो इट कैन नॉट एंड विद 0। एक्सप्लेन करना है हमने क्यों नहीं एंड हो सकता। ठीक है बात, तो कोई भी नंबर तभी जीरो से एंड होता है जब उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होते हैं। अगर दोनों में से एक भी फैक्टर नहीं है तो वो जीरो से एंड नहीं हो सकता। जैसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, 15 raised to power n आपने लिखा, ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। पहले तो बहुत अलग है। ओके, 15 raised to power n में ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। अगेन इट कैन नॉट एंड विद 0, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 12 raised to power n इसके फैक्टर्स लिखो, इसमें 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, अगेन इट कैन नॉट एंड विद 0। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर तभी 0 से एंड होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आए। अगर दोनों में से 5 और 5 हो तो भी हो सकते हैं फैक्टर्स। हाँ बिल्कुल, ये भी आ सकता है, तब हमने लिखे। अब यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, अगेन इट कैन नॉट एंड विद 0। ओके मैम। ओके, कब एंड होगा, जब उसमें 2 और 5 दोनों आएंगे। समझ आई बात, बोलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस मैम। नो मैम। यस मैम। किसको नहीं क्लियर हुआ बेटा, हिमांशु? यस मैम। ओके हिमांशु, देखो जैसे मैंने कहा आप कोई भी नंबर लो जिसके एंड पे जीरो है, मैंने ये इतने सारे नंबर लिखे जिनके एंड पे जीरो है, इन सारे नंबर्स को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम। 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम।
20 है, 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस मैम. 5 से? यस मैम. 50, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है. 100, यस, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है. तो जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर. ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होगा, जिसके एंड में जीरो आएगी, उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आने चाहिए. ओके, यस मैम. अब जब हमने 6 रेज टू पावर n के फैक्टर्स लिखे तो वहां पे हमारा 2 आया, 5 तो आया ही नहीं. 2 इंटू 3 बने उसके फैक्टर्स. ओके, बोलो. 6 के फैक्टर्स लिखे, 2 इंटू 3 होते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स लिखो. तो yes, क्या लिखा हमने कि इन 6 रेज टू पावर n वी हैव ओनली 2 एज अ फैक्टर, नॉट 5. सो इट कैन नॉट एंड विद 0. 0 से एंड ये तभी होगा जब 2 और 5 दोनों आएंगे. मैंने आपको बहुत सारे दिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकते हैं. तो आपने क्या करना है, फैक्टर्स लिख लिख के चेक करना है. अगर फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आएंगे तो वो 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा. ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रही हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है. ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ आया अभी भी, वो स्टूडेंट्स समझेंगे. 726-275 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब स्टूडेंट्स देखो कैसे करना है, जिनको नहीं पता. हम इन दोनों नंबर्स का डिवीजन मेथड से रफ में एचसीएफ निकाल लेते हैं. अंकित एंड सौम्या प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, ये हमने निकाला. टू सेवेंटी फाइव आ जाएगा यहाँ पे. फिर से करा, एक मिनट चेक करते रहना, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना. कैलकुलेशन चेक करते रहना. 99, 176, 1, 1 अगेन. सेवेंटी सेवन को 99 से करा, 1 ट्वेंटी टू, 23 11. अब ये 2 पे चला गया, ये हमारा आ गया 11 HCF. देखो ये आता है करना? यस यस मैम. सौम्या आपको भी आता है? यस मैम, हमें भी आता है. हमने रफ में कैलकुलेट करना. अब हमने इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिए होंगे. बड़े नंबर को हमने ए चूज करना है, छोटे नंबर को बी चूज करना है. स्टार्ट कैसे करेंगे हम? ए इज इक्वल्स टू 726, बी इक्वल्स टू 275. ओके, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन राइट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. यही है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यस मैम. तो ये बी क्यू आर यहां से हमें मिल जाएंगे, इसलिए हम ये मेथड साइड में सॉल्व करते हैं. क्या लिख सकते हैं हम 726 को? 275 इंटू 2 प्लस 176. कैन वी राइट? यस मैम. अंकित एंड सौम्या इज इट क्लियर? यस मैम. तो हम लिख सकते हैं क्या रिलेशन कौन सा यूज कर रहे हैं हम? वही अपना ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. This is A, this is B, this is Q, this is R. So 727 can be written as this. अब हर step में हमने remainder check करना है. Remainder हमारा क्या आया? 176, which is not equal to 0. Q
क्योंकि हमने तब तक करना है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जब तक कि हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाता। अब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो दोबारा से हमने फिर से अप्लाई करना है मेथड ऑन दीज टू नंबर्स। अब इसमें से ए हमारा क्या बन गया 275 और बी आ गया 176। ठीक है, ये स्टेप क्लियर? यस मैम। फिर से लिखा 275 कैन बी रिटन एज 176 इनटू 1 प्लस 99, ये लिख लिया हमने। अब हमारा रिमाइंडर क्या है 99 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो अगेन। फिर दोबारा हमने अप्लाई करना है इन दोनों के ऊपर, बी और आर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं हर बार नेक्स्ट टाइम। तो अब ए हो गया 176, बी हो गया 99। अब फिर से लिखा 176 कैन बी रिटन एज 99 इनटू 1 प्लस 77। अब रिमाइंडर 77 आ गया, फिर से जीरो नहीं आया, फिर अप्लाई कर दो। तो ये स्टेप्स हमने बार बार लिखने हैं और जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाता। जब हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ओके, इस ये हम कहते हैं फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। बोलो, इसमें काफी सारे स्टेप्स थे। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, बुक का फर्स्ट क्वेश्चन करोगे। और मेरे को वीडियो ऑन करके शो करोगे, स्पेशली अंकित एंड सौम्या। और जिन स्टूडेंट्स को आता है उनको मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूं। अंजी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या भी प्रॉब्लम है? मैम आ गया समझ में। नहीं, अंकित और सौम्या को बेटा, बाकी स्टूडेंट्स को तो ये कॉन्सेप्ट पहले से आता था। आ गया, तो फिर निकालो, किसका निकालोगे? टू फिफ्टी एंड 75 का निकाल, छोटा सा है ये 250 एंड 75। स्टूडेंट सर भी वेट कर रहे हैं। आई थिंक आई शुड लीव द मीटिंग और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, यस मैम। क्लास का टाइम ओवर हो रहा है तो मैं सर को एडमिट कर रही हूँ। okay, और मैं लीव कर रही हूँ।